और मालदीव से तनाव के बीच चीन का बड़ा बयान सामने आया है। ये बड़ी खबर, चीन ने कहा है कि भारत के खिलाफ मालदीव को कुछ नहीं कहा, हमारे लिए मालदीव बड़ा भागीदार है और हम भारत मालदीव के संबंधों का सम्मान करते हैं। चीन ने कहा कि भारत से बेहतर रिश्ते रखना मालदीव की मजबूरी है और चीन इस बात को बखूबी जानता है। तो भारत के खिलाफ मालदीव को कुछ नहीं कहा, हमारे लिए मालदीव बड़ा भागीदार है। चीन की तरफ से इस पूरे मामले पर ये प्रतिक्रिया सामने आई है। चाइना के एम्बेसडर, उनकी एक स्टेटमेंट भी इस वक्त बड़ी डिस्कस की जा रही है, लेकिन हो सकता है चाइना को पता हो और चाइना चाहता हो कि ताल्लुकात अच्छे हों, कि ठीक है इस तरह की स्टेटमेंट्स आप जारी करें, क्या करेंगे, हमने ट्रेड करनी है, हमारी ट्रेड इतनी बड़ी है, हम क्यों झगड़ा मोल लें किसी से, झगड़ा वगड़ा ख़त्म करें, आप चलें इस तरीके से। ऐसे ही है, अब तो दुनिया इसी तरह चलती है, दुनिया मफाद की है, दुनिया ट्रेड की है, दुनिया तिजारत की है, दुनिया पैसे की है। भाई चाइनीज अंडरस्टैंड करते हैं कि इंडिया जो है, बट दैट इज इन अ पोजीशन, इट हैज़ ए कैपेबिलिटी। वो कहते हैं ना कि when one someone has a capability, its intention can change overnight or its capacity can increase further. हम लोग ना ये देखिए, ये पता नहीं क्या है, हम लोग भी, और अच्छी बात है जो हम लोग करते हैं, हमने बांग्लादेश आजाद करा, राइट, ईस्ट पाकिस्तान था उसको बांग्लादेश बनाया, हमने नहीं लिया, हमने नहीं ली वहां की जमीन, हमने मालदीव्स की मदद करी, हमने कुछ मांगा नहीं रिटर्न में। मैं आपको याद दिला दूं, प्रभु श्री राम भी जब उन्होंने श्रीलंका के ऊपर, जब लंका उन्होंने विजय पाई थी लंका के ऊपर, तो उन्होंने लंका के ऊपर अपना कोई हक नहीं जताया, उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं राजा बनूंगा यहाँ का, उन्होंने विभीषण को सौंपा और वापस अयोध्या चले गए। लेकिन इसके अगर आप चाइना और इंडिया का बिहेवियर देखें तो दे हैव बीन बिहेविंग सो डिसेंटली। इस पे यू हैव टू, जैसे कहते हैं ना, एक्सेप्ट कि वो किस तरह बिहेव कर रहे थे। और चाइना इस वजह से उसकी तारीफ कर रहा है क्योंकि उसको अपना एक मार्केट मिल रही है। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, भारत से पांव पकड़ के माफी मांगने के बजाय मालदीव के राष्ट्रपति मौजू पहुंच गए चाइना। उन्होंने सोचा दोस्तों, क्योंकि चाइना भारत का दुश्मनी है, पूरी दुनिया जानता है, तो शायद चाइना कुछ बयान दे दे कि हम मालदीव के साथ खड़े हैं, भारत कुछ नहीं कर पाएगा मालदीव का। सोच रहे थे मौजू कि चाइना कुछ ऐसा कहेगा, लेकिन दोस्तों चाइना के भी सूर्य समय बदले बदले। चाइना ने कहा कि भाई हम मालदीव का साथ नहीं देंगे, इनडायरेक्ट वे में उन्होंने कहा कि मालदीव को भारत के साथ रिश्ते मजबूत करना मजबूरी है मालदीव की। इसका मतलब बिना भारत के मालदीव चल ही नहीं सकता है, यह चाइना डायरेक्ट कह रहा है, उनके राष्ट्रपति जब पहुंचे हुए चाइना में। यानी चाइना ने यह नहीं कहा कि हम मालदीव का साथ देंगे भारत के खिलाफ, ये कहा है चाइना ने। अब दोस्तों, जितने भी उछल लेते चाइना के दम पे उछलने वाले मालदीव के छोटे से लोग, भारत के लिए तीन के बराबर भी नहीं, उन सबकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई, उनके पाँव कांप रहे हैं कि चाइना ने भी साथ छोड़ दिया भारत के खिलाफ मदद करने से। अब दोस्तों, मतलब भारत से इतना बायकॉट हो रहा है इनका, इतना बायकॉट हो रहा है कि मिलियंस ऑफ डॉलर का लॉस सिर्फ 24 घंटे में हो चुका है। थर थर कांप रहे हैं जो मालदीव के जो सब टूरिस्ट प्लेसेस थे, उन सब के बुकिंग, रिजॉर्ट वगैरह जो भी थे, सब होटल वगैरह, वो सब लॉस में जाना शुरू हो चुके हैं। और सिर्फ 10 दिन में इनको रोटी पानी की कीमत पता चल जाएगी। इंडिया मालदीव डिप्लोमेटिक क्राउड, चाइना हैज नाउ कमेंटेड, लेकिन हो सकता है चाइना को पता हो और चाइना चाहता हो कि ताल्लुकात अच्छे हों, कि ठीक है इस तरह की स्टेटमेंट्स आप जारी करें, क्या करेंगे, हमने ट्रेड करनी है, हमारी ट्रेड इतनी बड़ी है, हम क्यों झगड़ा मोल लें किसी से, झगड़ा वगड़ा ख़त्म करें, आप चलें इस तरीके से। ऐसे ही है, अब तो दुनिया इसी तरह चलती है, दुनिया मफाद की है, दुनिया ट्रेड की है, दुनिया तिजारत की है, दुनिया पैसे की है। भाई वो पैसा, तू पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे मरती है, ये वाली तो, ये तो यही सिचुएशन है। लोगों को पता होगा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है मालदीव और इंडिया के दरमियान, क्या लगता है उस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसकी पावर ज्यादा लग रही है? ऑब्वियसली इंडिया, इंडिया जीतेगा, क्या वजह, इंडिया क्यों जीतेगा? ट्विटर के अंदर आप देखें तो वो अपने बैकफुट पे आ गए, वो माफी मांगने के लिए तैयार हो गए, उनके जो प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि भाई मैं माफी मांगता हूँ, हम माफी चाहते हैं, हमारे से रिलेशन खराब ना करें इंडिया। उतने सोच की बात, अब हमारी सोच ये है कि हम इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन हम कर सकते हैं। अब मैं बाहर होके आया हूँ ना, तो वहाँ पे हो गया, मैं ईरान इराक हो गया हूँ मैं, ठीक है, वहाँ पे ना कोई बंदा मिला ना इंडियन, मुझे तो इंडियन मुसलमान ही है वहाँ पे मिला है, तो उसने इंडिया की साइड ली है, पाकिस्तानी मुस्लिम साइड उसने नहीं ली, यही इसी वजह से कि इंडिया में वो मोदी ने मुसलमानों के बेनिफिट बढ़े दिए हुए हैं, बहुत बेनिफिट दिए हुए उसने। बेसिकली हम इंडिया का सिर्फ बुरा चेहरा दिखा रहे हैं अपने पाकिस्तान में, सिर्फ हम उसकी जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं। अगर पॉजिटिव बातों की तरफ आया जाए तो इंडिया बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया, आप उनकी रिसर्चेस देख लें, हर चीज़ में चांद पे चले गए, सूरज पे चले गए, बिल्कुल ऐसे ही है। इंग्लिश एंसेंट, इंडियन इंग्लिश एंसेंट आ रहा है उनका तीसरा, तो हम कहाँ पे हैं अभी, हम एक दूसरे की लात खींच रहे हैं, नहीं यार इंडिया आगे चला गया, हमने इंडिया को मैच में रहना, हमने इंडिया को मैच क्या तक रखा है स्टडी में उसके कंपेयर। तो दोस्तों, चाइना ने जहाँ पल्ला झाड़ लिया मालदीव से कि मालदीव की मदद वो भारत के खिलाफ बिल्कुल नहीं करने वाले,
क्योंकि हालांकि दोस्तों चाइना ने ही उकसाया पहले मालदीव को, फीड तो चाइना ने किया है, लेकिन दोस्तों चाइना की फितरत भी यही रही है कि फीड पहले करता जाएगा, जब तुम गड्ढे में फंस जाओगे फिर भाग जाएगा। अब गड्ढे में फंस चुका है मालदीव, अब देखते हैं भारत सरकार या भारत के लोग, वैसे तब तक इनको माफी नहीं देनी चाहिए जब तक ये पांव पकड़ के प्रधानमंत्री मोदी जी और भारत के लोगों से ये मौजू अपोलोजाइज ना करे, माफी ना मांगे, तब तक इनको माफ नहीं करना चाहिए। दोस्तों ये सारे मदरसे के पढ़े लिखे हैं और अपनी औकात समय आने पे दिखा देते हैं, इतना मैं कहूंगा, ये स्नेक की तरह है। अब से भारत को समझ जाना चाहिए कि इनकी तरह जितने भी देश है उनको सोच समझ के प्रायोरिटी दे, बस चाहे वो मालदीव हो चाहे कोई और, उतनी ही इनको प्रायोरिटी देना चाहिए जितनी इनकी औकात है, बस उससे ज्यादा नहीं। तो दोस्तों चाइना ने जहां पल्ला झाड़ा है तो अब इनका मुंह सूख गया है कि चाइना के दम पे तो हम उछल रहे थे, सोच रहे थे मोइजू तुरंत चाइना निकल गए, हालांकि प्री प्लान था, लेकिन यार इतना बड़ा एक्शन होने के बाद तो रुकना था ना, लेकिन निकल गए चाइना, सोच रहे थे कि यार चाइना कुछ हमें जोश भरेगा, हमारा साथ देगा भारत के खिलाफ, क्योंकि दोनों तो राइवल है, आर्च राइवल है चाइना और भारत, तो चाइना भी हमारा साथ देगा और हम चौड़े हो जाएंगे फिर से भारत के सामने। लेकिन दोस्तों चाइना को भी पता है इस समय भारत से पंगे लेना तो फिर उनकी भी हाथोबा हो जाएगी अगर पंगे ले लेंगे इस समय। इस समय इकोनॉमी जितनी तेजी से चाइना की इकोनॉमी बढ़ी थी उतनी तेजी से अब डाउन भी जा रही है, तो इस समय में अगर भारत जैसे देश से पंगा लेते हैं जहां पे पूरी दुनिया इन्वेस्टमेंट कर रही है, जहां से नए नए व्यापार के केंद्र हो रहे हैं शुरू हो रहे हैं, उससे पंगा लेगा तो चाइना की ऐसी तैसी होना तय है। इसलिए उन्होंने मालदीव का साथ छोड़ दिया, अब मालदीव मुझे लगता है खुद अपना साथ छोड़ चुका है, बर्बाद होने वाला है मालदीव, आप लोग देखना एक दो महीने में इनकी ऐसी तैसी हालत हो जाएगी, रोटी पानी के लिए मरेंगे, देख लेना आप लोग। जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, जय।